हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं मेरा राज ब्लॉग। और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास नहीं पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे मज़ार के बारे में, मज़ार शरीफ के बारे में, मतलब दरगाह के बारे में, जहाँ पर लड़कियों के ऊपर भूत आ जाते हैं, औरतों के ऊपर, आदमियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर भूत आ जाते हैं जंगल से गुजरने में या चौराया फलांगने में, जहाँ पर उन लोगों का इलाज होता है। उस मज़ार शरीफ पे मैं आप जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भूत वहाँ पर मज़ार पे उतारे जाते हैं, उनकी पेशी पड़ती है, कैसे उनका इलाज होता है। जिनको लड़कियों को दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, कोई मतलब भूत प्रेत का साया उनके ऊपर हो जाता है, तो इस दरगाह शरीफ पे उनका इलाज होता है। और यहाँ पर कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाते हैं, एक मौलाना साहब बैठते हैं, उन्हें जो चाहो दे दो अपनी मर्ज़ी से, वरना आप मत दो, वरना मज़ार शरीफ पे उनका इलाज चलता है। आप चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको, मज़ार पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up. मज़ार शरीफ काफ़ी दूर है और मैं जा रहा हूँ पैदल फिलहाल अभी, क्योंकि मेरे गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा ये मज़ार शरीफ दूर है। इसके लिए शाम का वक्त है, लगभग 5:30 बज रहा है इस टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चलूँ। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग भी चला करें पैदल। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, वो है एक एक्सपोर्ट कपड़े की, जहाँ पर कपड़े सिले जाएंगे, जीन्स या शर्टें या कोई बनियान वगैरह कोई भी चीज़। और ये इसके बराबर में खेत है धनिया का, जिसे हम बोलते हैं सूखा धनिया। आप चलते हैं अगले सफर। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. I don't wanna waste what we'll ever trust. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. अब वो दरगाह आने वाली है। इधर जंगलों में है वो दरगाह, रोड के आगे जाके किनारे पे। यहाँ तो उस रोड बहुत दूर हैं और मैं पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर आपको दिखाऊँगा वहाँ पर मैं वो दरगाह किसकी है और क्या है, ऐसे कैसे यहाँ क्या होता है। अब मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। ये मेरा दिल्ली वाला हाईवे आ गया, जो ऊपर जो रोड चल रहा है, ये दिल्ली से होता हुआ सीधा बरेली जा रहा है, नखलऊ, शाहजहाँपुर। ये देखिए रोड, मज़ार शरीफ भी बहुत करें आ गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सामने उधर है जंगल में। अब मैं पहुंचने वाला हूं उधर, वो सामने देख रहे हैं वो दरगाह आ गई। अब मैं पहुंचने वाला हूं, देखते हैं कौन है। वीडियो अगर बनाने को मना करेंगे तो मैं किसी बहाने से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूं वीडियो कॉल हूँ, या कुछ भी अगर मना करा मुझे वीडियो बनाने पर, तब, वरना मैं आपको ऐसी दिखा सकता हूँ। अब आ गए हैं मज़ार के पास, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं दरगाह शरीफ पर आ गया। वो दादी अम्मी वहाँ पर बैठे हुई हैं, कि हमेशा यहीं पर ही रहती हैं, ये हमेशा यहीं पर ही रहती हैं दादी अम्मी। देख रहे हैं मज़ार शरीफ के सैयद साहब दादा मियाँ का करके मज़ार शरीफ है। यहाँ पर हवा डबा का जो असर हो जाता है औरतों पे, आदमियों पे, वो सबको मतलब यहाँ इलाज होता है उनका, सब लोग बहुत ही आराम से ठीक हो जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है पैसे की, अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। जैसे कि ये कुआँ है, कम से कम नहीं तो बहुत बहुत पुराना कुआँ है, 100 साल से भी ऊपर का ये कुआँ हो गया। मैं आपको चारों तरफ का दिखा रहा हूँ नज़ारा, ये देखिए, ये यहाँ मुतवल्ली रहते थे मज़ार शरीफ पे, जो यहाँ की देख रेख करते थे। फिलहाल जैसे मैंने आपको दिखाया, दादी अम्मी के हस्बैंड या आदमी कुछ भी, या शोहर कह सकते हैं, उनका मज़ार शरीफ है ये। मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ मज़ार के, फिर मैं चलता हूँ अंदर आपको दिखाने के लिए, दीदार कराने के लिए अंदर चलूँगा फिर मैं। ये देखिए, ये पीछे की सेट है, ये सेट है, ये सब देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। ये देखिए,
ये बहुत ही पुराना मज़ार शरीफ है और यहाँ पर हमारी दादी अम्मी रहती हैं। और ये देखिए आप यहाँ का सब, यहाँ पर जो हवा का असर हो जाता है लड़कियों पे, आदमियों पे, औरतों पे, बुड्ढों पे, किसी पे भी, तो उनका यहाँ पर इलाज होता है। बहुत बहुत दूर से यहाँ आदमी आते हैं और उनका इलाज होता है और अच्छे से सही होके जाते हैं। यहाँ पर मिर्गी है, दौरा है, हवा का असर है, दवा कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर इलाज होता है। कि आप दिल्ली से आप चलेंगे अगर तो रामपुर से 32 किलोमीटर आगे ये मज़ार शरीफ है, रामपुर से 32 किलोमीटर आगे, और मिलक जब आप पहुँचेंगे तो मिलक से 7 किलोमीटर आगे मज़ार शरीफ है। ये दिल्ली वाले हाईवे के उल्टे हाथ पे को नीचे को मज़ार शरीफ है, आपको ऊपर से दिख जाएगा। ये दिल्ली से जब आप चलेंगे, अगर दिल्ली के हैं, अगर आप चलेंगे बरेली से या लखनऊ से कहीं से इधर से, तो आप बरेली से 32 किलोमीटर आगे है और रामपुर से 32 किलोमीटर इधर पीछे हैं, तो आप ये देखेंगे। अब मैं आपको अंदर का दीदार कराऊंगा दरगाह शरीफ का, जैसे कि मैंने कर लिया है और आप लोगों का मैं करा रहा हूँ। कि देखिए आप भी दीदार कर लीजिए, जो मन्नत है मांगिए, आपकी पूरी होगी, जायज़ अगर मांगेंगे तब। ये देखिए, ये मैं अंदर का हूँ, अंदर आ गया हूँ मैं। अंदर एक गैलरी है, उसके अंदर मैं घूम रहा हूँ। ये दूसरा इनका है, उधर से लोग घुसते हैं और इस गेट में से लोग निकलते हैं इनके। ये देखिए, ये देखिए, आप यहाँ की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है। अगर कुछ और दिखाने को मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वरना मैं अपनी ब्लॉग ही बंद कर दूंगा। ये मैं आपको नज़ारा दिखाई दिया है मज़ार शरीफ का, और ये अंदर का दीदार भी मैंने करा दिया है आपका। जैसे कि नहीं किया है तो आप फिर से कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर पहला कदम ज़रूर बजा लें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस आपके पास नई आराम से पहले पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हवा जबा कुछ भी हो, देखो साफ होकर जाता है यहाँ पे, यहाँ देखो कोरा होकर जाता है आदमी। यहाँ का नाम लेगा, कुलचे का मजार है, कुलचे का मजार है ये। और बहुत दिनों से यहाँ हम रह रहे हैं, हमको 40 साल हो गई। हमारे घर वाले मुतावली वो पर्दा कर गए, उनका भी मज़ार बन गया, पर्दा करके 40 साल हमें यहाँ पर हो गई रहते हुए, और अब भी हम रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जो आपके वालिद साहब थे वो यहाँ पर रहते थे आपसे पहले? हाँ, मतलब आपके आदमी जो थे इन, अच्छा आपके शोहर थे वो? हाँ। अच्छा अच्छा, हम समझे वालिद साहब थे, मगर आपके शोहर थे जो इंतकाल फरमा गए। हाँ, आप अपने शोहर की जगह आप यहाँ पर देख रेख करती हैं? अब हमारा बेटा भी रहता है। अच्छा, आपका बेटा भी यहाँ रहते हैं, जैसे जुमरात को बैठते होंगे मरीजों को देखने के लिए। और वैसे सैयद साहब दादा मियां का ये मज़ार शरीफ है और यहाँ पर शिफा सभी लोगों को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल की लड़कियों को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी हो जाती है या हवा डबा का असर हो जाता है, मसान का असर हो जाता है, वो सारे इलाज यहाँ करे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दीदार कराई दिया, आपको अगर कहीं से आ रहे हैं, दिल्ली की साइड से आ रहे हैं, तो रामपुर से 32 किलोमीटर आगे ये मज़ार शरीफ है। ये मीरगंज में है और कुलचा इसका रकबा पड़ता है, कुलचा कुलचे के बराबर में ही है ये कुलचा। आप गाँव याद रखें, मिलक से 7 किलोमीटर आगे कुलचा। तो यहाँ पर इलाज सबका सही हो जाता है दादी अम्मी? हाँ, बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर बीमार लोग आते हैं तो उनका आते हैं। अच्छा, यहाँ उरस वगैरह भी होता है क्या? उरस वगैरह शुभरात के चांद में 26 तारीख। अच्छा, शुभरात के चांद में 26 तारीख को उरस होता है यहाँ पर? 26 तारीख जी, 26 तारीख में प्रोग्राम मिला शरीफ का जी, और 27 तारीख में प्रोग्राम है उसका, क्या कहें, कबालियों का। अच्छा अच्छा अच्छा, कबालियों का है बहुत। और 29वें दिन कुल करके अपने घर को चले जाएंगे। दूर दराज से लोग बहुत आते होंगे यहाँ पर? बहुत बहुत दूर के आते हैं। अच्छा, पता जल्दी आप लोगों को पता चला तो तुम भी सब आओ। ठीक 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 ठीक, मारुतियों से आते हैं, उनका पता चलती है तो मारुतियों से आते। ये किनका मजार है, नाम बताएंगे आप? सही है साहब, दादा मियाँ का मजार है, अमरोह वालों का। अच्छा, कितने दिन हो गए बने हुए लगभग? कैसे हाल हुए बने हुए? बल्कि हम आए हैं तो ताबीज ही ताबीज है खाली। अच्छा अच्छा, खाली ताबीज है बना हुआ, और उससे बाद में हमने आकर बनवाया तो 40 साल गुजर गई। जैसे कि 40 साल इनको हो गई, इनको हो गई 40 साल यहाँ पर रहते हुए, और उससे पहले भी मजार था यहाँ पर, जबकि यहाँ आई थी तो ताबीज ताबीज थे। पाखड़ का पेड़ है यहाँ, पाखड़ का, जैसे ये बहुत पुराना पेड़ है पाखड़ का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूर तक बहुत पुराना, काट दिया गया है कि ऊपर से अब नए कल्ले निकल रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, अच्छा अब मैं चलता हूँ यहाँ से, दीदार हो गया मजा जी का, आप लोगों का भी करवा लिया, दादी अम्मी से ही मैं मिल लिया,
और मैं अब चलता हूँ घर के लिए। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज भी डूबने वाला है। दरगाह का दीदार एक फेरे आप ऐसे कर लें।